everyone, Assalamualaikum and welcome to my channel. So, बाहर क्या हो रहा है? रास्ता पूरा आइस हो गया यहाँ पे बहुत. I don't know. Oh shit. तो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं. सो आज हम लोग तैयार शायर होकर एंड बहुत सर्दी है बट आई एम नॉट वेयरिंग ग्लव एंड वी आर गोइंग टू एक मिनट. सो आज हम लोग यहाँ पे हलाल चिकन मीट एंड ये सारी चीज़ें और सब्जियाँ वेजिटेबल्स ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं. मेरा सामान ख़त्म हो गया है. सो आई हैव अभी ये अपना बैग लेकर जा रही हूँ. आटा भी लेना है. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेनी है और वो हलाल मीट एक जगह से मिलता है. वी कॉल इट ए ग्राउंडलैंड. सो मुझे ग्राउंडलैंड जाना है एंड लेट्स गो टुगेदर. गया पूरा आइस. ये रिवर ऊपर डक्स कैसे बैठी है बेचारी. शॉप में तकरीबन ग्राउंडेड में ऐसी लिखी होती है. उनके प्राइसेस एज कम्पेयर टू जो मार्ट्स हैं उनसे थोड़ा रीजनेबल होता है. सो इसलिए मोस्टली जो फॉरनर्स हैं मोस्टली में दे वो यहाँ से आके ग्रॉसरी शॉप करते हैं. स्पेशली फ्रूट्स होते हैं वो भी यहाँ पे यू बाय द रीजनेबल प्राइस. मैंने मैंगो लिया था यहाँ से बट इट वॉज नॉट सूट. खट्टा ही होता है हमेशा. सो या सो मेरे टमाटर्स एंड प्याज की पूरी बोरी भी ले सकते हैं. तो इनकी प्राइस थोड़ा रीजनेबल थी और बहुत डिफरेंट वैरायटीज भी मिल जाती है यहाँ पे. सो वो बहुत अच्छी बात है. और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रोटियाँ बहुत मिलती हैं बनी बनाए बड़ी बड़ी रोटियाँ ये वो. तो मैंने कभी ट्राई नहीं की बट मोस्टली बहुत सारे लोग यहाँ पे रोटियाँ लेकर फ्रेश ही होता है इनका. सो मैं लेकर एंड आई है मैं फ्रीज कर लेती हूँ घर में. वाओ गाइस दिस लुक्स सो अमेजिंग. ट्रिपल चॉकलेट. लेट मी ट्राई. सो हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली इतने सारे वेजिटेबल्स दिए और मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि ग्राउंडलैंड में वेजिटेबल्स आर रीजनेबल प्राइस एज कम्पेयर टू जहाँ से मैं लेती हूँ कूप वगैरह से. सो यहाँ पे सस्ता था. जैसे ओनियंस अगर $1.2 के यहाँ पे तो वहाँ पे $3 के $4 के मुझे डबल प्राइस में. एंड या सो एंड देन आई बॉट चिकन एंड मीट एंड कीमा एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि यहाँ बार बार आना नहीं होता कि मेरा बैग बहुत फुल हो चुका है. और घर जाके आई विल शो यू इन डिटेल वीडियो दिखाऊंगी. एंड नाउ आई एम सो मच टायर्ड क्योंकि मैं घर से खाना खा कर आई थी. आई जस्ट ईट द पिज़्ज़ा इसलिए यहाँ पे खाना नहीं खा रही. सो आई एम जस्ट हैविंग द दिस वन बिकॉज एनर्जी ख़त्म हो गई है बहुत. इस क्रीम एंड फिर उसके अंदर चॉकलेट का वो डाला क्रीम and then chocolate chunks and upar se phir ek aur cream. So nice. I don't know main pura kha paungi ya nahi.
मुझे पानी की बहुत प्यास लग गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था मास्क पहन पहन कर। सो आई विल फिनिश दिस वन एंड आई विल गो होम। हाँ, मुझे अभी आटा लेना था बट बैग में जगह ही नहीं है, कहाँ पे आटा रखूँगी, तो इसी वजह से नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम एंड आई विल शो यू इन डिटेल। बाय बाय। सो आई एम बैक होम एंड इतना सारा सामान लेकर आई हूँ नाउ, या सब सेट करके रखना पड़ेगा, एक घर की सफाई करनी है, कपड़े भी धोने नहीं है, कपड़ों का बास्केट पड़ा है वो करना है, सेट करके रखना है एंड सब कुछ मेस्ड अप लगा पड़ा है मेरा घर। सो यहाँ पे किचन साफ़ है क्योंकि मैंने कुछ कुकिंग नहीं किया एंड ये भी थोड़ा सफाई करनी है और ये बहुत सारा सामान है, चिकन मीट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। लेट मी शो यू गाइस एंड आपको दिखाते दिखाते मैं रखती भी जाती हूँ। सो ये बहुत सारा कीमा लिया मैंने, इट्स 3 kg कीमा एंड इसको फिर अलग अलग शॉपर्स में डाल के एंड फ्रीज कर दूंगी मैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, एंड वी हैव चिकन, यहाँ पे 2-1 फुल चिकन है एंड 2 कट चिकन या, और हमारे पास वेजिटेबल्स है सो इनको हम लोग फ्रिज में रखते हैं पड़ेगा एंड आई थिंक इट विल टेक टाइम। ये बहुत सारा हरा धनिया लिया और हरा धनिया को मैं काट के पूरा फ्रीज कर दूंगी। और द थिंग डैट आई लाइक मोस्ट टमाटर लिए, आलू लिए एंड और क्या लिया, या मतलब फ्रूट्स, टमाटर, आलू, समथिंग बहुत सारे लिए। सो फॉर नाउ आई थिंक मुझे थोड़ा फ्रिज से सामान निकालने पड़ेंगे एंड इट विल टेक टाइम, मुझे सब कुछ सही से सेट करना पड़ेगा और सेट करने के बाद आई विल शो यू अगेन। ओके बाय। सो डिड यू सी के कितना काम होता है, पूरा मैंने मीट, चिकन और जो कुछ भी है सबको रैप अप करके फ्रिज में रख दिया है एंड सब काम ख़त्म नहीं हुआ स्टिल। सो आई नीड टू गो एंड चेंज माई ड्रेस एंड उसके बाद बर्तन धोने और घर पूरा सेटअप करना है, सफाई करनी है, कपड़े रखने ये वो चीज़ें करनी है। सो या आई थिंक अगर मैं वो सब दिखाऊंगी सो इट विल बी अ वेरी बिग व्लॉग एंड सो वी शुड एंड अवर व्लॉग हेयर एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रॉसरी शॉपिंग एंड ये वो, क्योंकि आई बॉट मैं जो चीज़ें हैं वो इसलिए ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि हाँ बार बार जाना नहीं पड़े। सो आपको अभी आप देख सकते हो कि जाने के लिए यू हैव टू गो, फिर इतना टाइम लगता है, ये लो वो लो ये देखो, मतलब बहुत सारा टाइम लगता है
एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, सो इसीलिए चीज़ें घर पे पड़ी रहें तो अच्छा है. सो या ग्रीनलैंड में मतलब वेजिटेबल्स थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिलती है, सो आई विल ट्राई टू बाय फ्रॉम देयर. लेट्स सी क्या होता है, बट सो लेट मी शो यू. सो से माशाल्लाह माशाल्लाह एवरीवन. सो यहाँ पे मेरे वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ये एंड चीज़ें रख दी हैं, ऑनियंस पोटैटो जिंजर विंजर बहुत सारे टोमेटोज, क्योंकि आई ईट टोमेटोज ऑलमोस्ट एवरी डे एंड बहुत सारे टोमेटोज खाती हूँ मैं. और उसके बाद हमारे पास मम्मी मीट का स्टॉक, मुझे लगे गुच्चे शॉप खोलना पड़ेगा मीट शॉप. एंड यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड हरा धनिया ये वो मिर्चें भी कुछ मैंने रख लिया क्योंकि मेरी मिर्ची जल्दी ख़त्म हो जाती है एंड आई ईट मिर्ची आता नॉट एंड या ये सारा स्टॉक है. सो थैंक गॉड कि मेरा फ्रिज बड़ा है, छोटा होता तो बहुत प्रॉब्लम होता. ये लोग बोलते हैं कि जब आप घर देखो तो ये चीज़ नोट किया करो कि फ्रिज बड़ा हो ताकि आप बहुत सारा स्टॉक ले सको. एंड या सो वी विल एंड अवर व्लॉग हियर. आई होप यू एंजॉयड एंड यू लाइक्ड एंड आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ इज़ इट लिविंग इन फॉरेन कंट्री, क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग भी जाओगे एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते भी होंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे भी. एंड तो ये होती है, दिस इज़ हाउ यू डू द ग्रॉसरी थिंग्स एंड दिस कंट्री. सबका आई थिंक अलग डिफरेंट स्टाइल होता है, सो दिस इज़ माई तरीका. एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.